हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप लाइन इन्फो। नो बकवास, केवल काम की बात। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये जो कनेक्टर होते हैं बॉक्स रिसीवर के कनेक्टर, उनको आप कैसे लगा सकते हो सही तरीके से। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, अगर ये सही तरीके से नहीं लगेंगे आपके रिसीवर में तो नो सिग्नल दिखाएगा, और नो सिग्नल दिखाएगा तो उसके लिए आप कस्टमर केयर में कॉल करोगे, वो आपका अपना इंजीनियर भेजते हैं जो कि आपको 200 से 300 रुपये चार्ज ले लेते हैं। तो वो आपको उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, आप अपने घर बैठे 200 से 300 रुपये बचा सकते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कॉक्सल केबल है। अब ये क्या होता है, कई बार लूज रहती है, ये सही तरीके से ना लगने पे नो सिग्नल दिखाता है, जबकि आपकी डिश एंटीना एकदम सही होता है। तो सबसे पहले आप अपने वायर कटर की मदद से या फिर अपने प्लायर की मदद से आप इसको कट कर दीजिए, नीट एंड क्लीन कट करना है। तो मैं कट करके दिखाता हूँ, कट कर दिया, ठीक है सर। और उसके बाद आप कट करने के बाद जो ऊपर वाला कवर होता है, इसका ऊपर कवर को हल्का सा धीरे धीरे कट करना है, क्योंकि इसके नीचे एक जाली टाइप से वायर रहता है, वो कटना नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे करके आप इसको कट कर सकते हैं। ये जो जाली होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको पीछे करके उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसको कट करना है इस तरीके से। तो देखिए सर, ये ऐसे कट हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है कनेक्टर लेना है आपने। कनेक्टर बहुत तरीके के होते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, अलग अलग कनेक्टर कैसे कैसे लगना है। तो ये एक नॉर्मल कनेक्टर होता है, इसमें एक पीछे जो इसकी बारीक पिन है इसको इसमें डालिएगा और इसको पुश करिएगा, पुश करने पर यह आगे पिन आपकी आ जाएगी। तो ये पिन ऐसे आ जाती है, ये देखिए ये पिन आ गई इसकी। तो ये तो हो गया एक टाइप, अब मैं आपको बताता हूं सेकंड टाइप, ठीक है। तो एक हमारे पास वायर ले ली हमने, कट करने का तरीका सभी का एक बराबर होता है, बस कनेक्टर अलग अलग तरीके से लगते हैं। तो ये मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है, ये जाली नुमा इसका जो दूसरी वायर होती है उसको पीछे कीजिएगा। ये आता है सेकंड टाइप का कनेक्टर, इसको बीच में डाल के कवर के बीच में इसका चला जाएगा इस तरीके से। और ये आपका दूसरे तरीके से कनेक्टर लग गया, ये देखिए। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो जाली नुमा तार होती है इसको पॉजिटिव को ये इस जो पतली वाली वायर होती है इससे मिलना नहीं चाहिए, वरना शॉर्ट होगा और आपके सिग्नल फिर भी नहीं आएंगे। तो ये दूसरा टाइप का कनेक्टर मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं तीसरे टाइप पे। तीसरा टाइप है ये चूड़ी वाला, इसमें चूड़ी होती है अंदर, इसको केवल आपने कट करने का तरीका वही है, इसमें जो ये जाली होती है जाली को पीछे कीजिए, इसके बाद ऊपर से जाली को ये जाली के अंदर आ जाएगा, ये देखिए ये जाली है, ये जाली के अंदर आ जाएगा, जाली इसके अंदर आएगी और आपने इसको राउंड राउंड घुमाना है। ऐसे राउंड घुमाओगे तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा और ये टाइट हो जाएगा कनेक्टर। ये देखिए दोस्तों, ये कनेक्टर आपका एकदम परफेक्टली लग गया है। तो ये था दोस्तों कनेक्टर लगाने का तरीके, तीनों टाइप के कनेक्टर मैंने आपको बताए हैं और कैसे आप अपने कनेक्टर लगा के अपने 200 से 300 रुपए बचा सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको जरा सी भी आपके काम में हेल्प मिलती है या आपको आपके काम आती है तो प्लीज़ कमेंट में जाके मुझे बताइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट में जाके उसको भी बता दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।
और आने वाली वीडियो में आपको मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा जो छोटे छोटे काम होंगे और उनसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं घर बैठे ही. सो